Assalamu alaikum, my dear students. So today, let us discuss the series combination of capacitors. Now listen, suppose you have three capacitors, say C1, C2 and C3, okay? हमने क्या किया, हमने इस कैपेसिटर C1 का लेफ्ट एक्सट्री लेफ्ट टर्मिनल और C3 का राइट टर्मिनल और राइट प्लेट, इनको बेटा बैटरी के साथ कनेक्ट किया. लेट इट इज कनेक्टेड टू ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी एंड लेट दिस वन इज कनेक्टेड टू ए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी. नाउ लेट अस सी हाउ द चार्ज विल गो. अब मान लो इस बैटरी से लेट क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. नाउ टेल मी एज द चार्ज क्यू रीचेस हियर, ओके, मुझे बताओ इस एज यू मूव फ्रॉम C1 टू C2 हाउ मेनी पाथ्स आर देयर. अगर आप C1 से C2 जा रहे हो, क्या C1 C2 एक ही पाथ पे लाई कर रहे हैं या ये C1 और C2 डिफरेंट पाथ पे लाई कर रहा है. इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट C1 C2 दे लाई ऑन द सिंगल पाथ. सो दैट मींस एज यू मूव फ्रॉम कैपेसिटर C1 टू कैपेसिटर C2 देयर इज ओनली वन पाथ. सिमिलरली इफ यू मूव फ्रॉम C2 टू C3 अगेन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. सो इसका मतलब क्या हुआ, क्या चार्ज डिवाइड होगा? चार्ज तब डिवाइड होगा जब कैपेसिटर C1 से C2 तक जाने में या C1 लाई करता हो एक पाथ पे, C2 लाई करता हो डिफरेंट पाथ पे. लेकिन सिंस C1, C2 एंड C3 दे डू लाई ऑन द सेम पाथ, देयरफॉर देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ द चार्ज, देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज. दैट मींस व्हाटएवर इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू C1, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज will flow through C2 and same amount of charge will flow through C3. यानी कि बैटरी से जितना भी चार्ज विड्रॉ होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज जो विड्रॉ होगा वो टोटल चार्ज जितना C1 से पास होगा उतना C2 से पास होगा और उतना ही C3 से पास होगा. यानी कि इसका मतलब हुआ all these capacitors will receive the same amount of charge. Okay, but since their capacitances are different, इनकी capacitance same नहीं है. यानी कि आपको पता है, C is equal to by V, okay? और I can write V is equal to Q by C. Now tell me, when the charge is same, then potential difference will vary inversely as capacitors. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हर एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज सेम जा रहा है, तो बताओ जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कम होगी, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी. इज दैट क्लियर? नाउ टेल मी दैट मींस that let this battery is providing a potential difference V, okay, then ye V, ye voltage, ye potential difference yahan divide hogi. Like V1 is the potential difference across C1, V2 is the potential difference across C2 and V3 is the potential difference across C3. ए लॉजिकल बात है. अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की ओर इसको समझना चाहते हो, आप तीन बीकर्स जब लोगे बेटा, बोलो बेटा, अगर तीन की कैपेसिटेंस डिफरेंट है, यहां पे C1, C2, C3 दोनों को सेम क्वांटिटी का पानी डाल रहे हैं, क्या तीनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, क्या तीनों में सेम लेवल राइज होगी? नहीं. लेवल राइज उसमें ज्यादा होगी जिसमें कैपेसिटेंस कम है, लेवल राइज उसमें बहुत कम होगी जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है.
है कि नहीं, ऐसे यहां पे होगा। सो यहां लेवल राइज तीनों में सेम नहीं आएगी। व्हाई? बिकॉज देयर कैपेसिटेंसेस आर नॉट सेम, देयर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल नॉट बी सेम, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंसेस डिफरेंट है। ठीक है बेटा? सो इसका मतलब हुआ, ये पॉइंट आप याद रखोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। ओके, दैट्स व्हाई हम इसमें एक रूल पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, चार्ज डिवाइड नहीं होता है। एंड वन मोर पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू रिगार्डिंग दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट, अब देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से आ रहा है एंड इट